हे सो इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट वेज बताऊंगा जिनके थ्रू यू कैन मेक मनी एज अ टीनेजर इन इंडिया। एंड डोंट वरी, मैं आपको ऑनलाइन सर्वेस भरने के लिए या फिर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, ऐसे आइडियाज के थ्रू पैसे कमाना या तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और जिन आइडियाज में डिफिकल्ट नहीं होता उसमें बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऑफ द मोस्ट लेजिटिमेट वेज बताऊंगा टू मेक मनी एज अ टीनेजर। What's up guys, Ayushman this side. So as I said, इस वीडियो में I will give you 5 of the most easiest but high paying ideas to make money as a teenager in India. But इस वीडियो में मैंने जो 5 ideas shortlist करे वो इस basis पे करे कि इनमें से at least 2 या 3 तो हर teenager India में कर ही सकता है। Secondly, इसमें पैसे कमाना आसान है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा but बहुत कम पैसा भी नहीं मिलेगा, एक अच्छा decent amount of income मिलेगा। And thirdly, ये सारे तरीके आप online अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की ओर बढ़ते, बट वेट अ सेकेंड, टीनेजर हो, पैसे कमाना चाहते हो तो उस पैसे को कहीं तो खर्च करोगे, तो इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आप इस पैसे से खरीदना चाहते हो, या फिर वो किस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा ये पैसा खर्च करने की सोच रहे हो। तो वीडियो को अभी के अभी पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ। सो द फर्स्ट वे टू मेक मनी इज बाय रिव्यूइंग एंड टेस्टिंग वेबसाइट्स। नाउ वेट अ सेकेंड, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार हम तो टीनेजर्स हैं, हम कहाँ से वेबसाइट्स को टेस्ट करेंगे, हमें तो कोडिंग करनी आती ही नहीं। बट डोंट वरी, यहाँ पे मैं वो टेक्निकल कोडिंग वाली टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ट्राई माई UI या फिर यूजर टेस्टिंग, जो कि यूजर्स को एक्चुअली पे करते हैं रैंडम वेराइटी ऑफ वेबसाइट्स को रिव्यू करने के लिए एंड अपना रिव्यू देने के लिए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, वो आपको एक रैंडम वेबसाइट दिखाते हैं एंड वो कहते हैं कि आपको उस वेबसाइट को नेविगेट करना है, वेबसाइट को देखना है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस देखने हैं एंड अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, एंड उस वेबसाइट को देखते हुए आपको अपना रिव्यू बोलना है कि मेरे को इस वेबसाइट में ये वाली चीज़ पसंद आ रही है, ये वाला पेज अच्छा है, या फिर ये एलिमेंट इतना पसंद नहीं आया, या फिर कलर्स इतने पसंद नहीं आ रहे, या फिर ये चीज़ पसंद आई। सो बेसिकली आपको एक स्पोकन रिव्यू देना है उस वेबसाइट का या फिर ऐप का जो आपको दिखाई जाएगी। तो बेसिकली आप जब Zomato या Swiggy से खाना ऑर्डर करते हो तो एक रिव्यू डालते हो ना कि यार मेरे को ये चिकन रोल बड़ा अच्छा लगा बट मोमोज की चटनी नहीं भेजी आपने। सिमिलरली आपको वेबसाइट्स एंड ऐप्स का ऐसा रिव्यू देना है एंड ऐसे अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड रिव्यू देने के लिए आपको ये वेबसाइट्स अराउंड $10 फॉर 20 मिनट्स पे करती है। सो $10 इज बेसिकली 700 रुपीज फॉर 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम आपको ये वेबसाइट्स देती है रिव्यू करने के लिए। सो द सेकेंड वे टू मेक मनी इज बाय सेलिंग योर नोट्स। टीनेजर हो तो आई एम गेसिंग मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में ही पढ़ते हो एंड स्कूल में पढ़ते हो तो नोट्स भी काफ़ी सारे बनाते होंगे, भले ही वो हैंड रिटन नोट्स हो या फिर टाइप नोट्स हो। एंड स्कूल स्टूडेंट्स जहाँ एक जगह नोट्स बनाते हैं, वहीं काफ़ी सारे स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं मेरी तरह जो नोट्स बनाते नहीं है एंड जिनको अल्टीमेटली एग्जाम टाइम पे ऐसे नोट्स की जरूरत पड़ती है एंड हम टॉपर दोस्तों से नोट्स मांगते हैं। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ द टॉपर फ्रेंड्स जो कि ऐसे बहुत अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाते हैं, जो कि मेरे जैसे बच्चों को हेल्प करते हैं, तो यू कैन एक्चुअली अर्न मनी बाय सेलिंग योर नोट्स ऑनलाइन। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको आपके नोट्स का एक ई बुक बनाना है। अगर आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी, अगर आपने टाइप नोट्स ही बनाए थे वर्ड पे या फिर कहीं पे भी, तो बहुत ही बढ़िया, आप उसका डायरेक्टली एक ई बुक बना सकते हैं। बट अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी है तो भी आप उनको स्कैन करके उसका एक डिजिटल कॉपी बना के एक ई बुक अपनी कंपाइल कर सकते हैं। एंड अब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यार ई बुक तो बना दूंगा मैं, बट मेरी ई बुक खरीदेगा कौन, 200-300-500 रुपए कौन देगा मेरी ई बुक खरीदने के, सो डोंट वरी, आपको 200-300-500 रुपए में अपनी ई बुक बेचनी नहीं है। अगर आप अपनी ई बुक बना के अमेजोन पे लिस्ट करते हैं एंड आप उसको सिर्फ 20-30 या 50 रुपीस के लिए बेचते हैं, इतना छोटा अमाउंट है, 20 रुपीस तो कोई भी दे देगा आपके अगर आपके नोट्स अच्छे खरीदने के लिए, और अगर आप ये सिर्फ 1,000 या 2,000 बच्चों को भी बेच पाते हैं, 1,000 to 2,000 लोगों को बेचना है सिर्फ 10-20 रुपीस में, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड अगर आप ये भी कर पाते हैं तो आप आराम से 20-50,000 रुपीस कमा सकते हैं अपने नोट्स बेच के ऑनलाइन। एंड द थर्ड वे टू मेक मनी एज अ टीनेजर इज बाय बिकमिंग अ लैंग्वेज ट्यूटर। सो आई एम प्रीटी श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों को कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलनी आती है ना, इंग्लिश, हिंदी तो सबको बोलनी आती है। आप में से कुछ लोगों को अपनी मदर टंग बोलनी भी आती होगी, जो बंगाली हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, मेरी तरह कश्मीरी हो सकती है। सो आप एक्चुअली ऑनलाइन लोगों को ये लैंग्वेज सिखा के पैसे कमा सकते हैं। एंड इस वक्त ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जैसे कि प्रेपली, iTalki, वर्बलिंग, जहाँ पे आप अपने आप को एज अ लैंग्वेज ट्यूटर रजिस्टर करके पर आवर बेसिस पे ऐसे ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी वर्बलिंग खोला हुआ है एंड मैंने पंजाबी लैंग्वेज सर्च किया है एंड यू कैन सी कितने सारे लोग आ रहे हैं जो 400-500-800 के लिए ये 1 घंटे का सेशन लेते हैं एंड ये लैंग्वेज सिखाते हैं। सो क्योंकि अगर आप एक टीनेजर है तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो स्टार्टिंग में आपका पर आवर जो आप कॉस्ट होगा वो भी थोड़ा कम होगा, बट
अगेन अगर आप एक घंटे में 300 rupees भी चार्ज कर रहे हैं एंड अगर आप हर रोज एक क्लास भी लेते हैं एंड महीने में अगर आप हर रोज पढ़ा रहे हैं तो 300 × 30 9000 rupees आप ऐसे ऑनलाइन एक लैंग्वेज ट्यूटर बन के कमा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं पैसे कमाने की, फाइनेंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड आप भी पैसा कमाने में और उसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो गए तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करके सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड द फोर्थ वे टू मेक मनी इज बाय सेलिंग योर फोटोज ऑनलाइन। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को फोटोग्राफी का शौक होगा एंड फोटोग्राफी से मेरा मतलब सिर्फ DSLR प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं है। आप में से जो लोग मोबाइल फोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड है आप लोग अपनी फोटोज ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस वक्त ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि Adobe Stock, Shutterstock, 500px जहां पे फोटोग्राफर्स अपनी फोटोज अपलोड करते हैं एंड जिन लोगों को ये फोटोज खरीदनी होती है वो इन फोटोग्राफर्स को पर डाउनलोड बेसिस पे पे करते हैं। सो अगर आपके पास इस वक्त बहुत सारी 200-300 फोटोज है जो आपने खींच के रखी है वो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अभी के अभी अपलोड कर सकते हैं एंड फ्यूचर में आप जब भी कोई नई फोटोज खींचते हैं वो भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करते रहे एंड धीरे 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 जैसे जैसे लोगों को आपकी फोटोज पसंद आएगी एंड आपको वो पर डाउनलोड बेसिस पे करना शुरू करेंगे वैसे वैसे ओवर टाइम आपके पास एक काफी अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएंगे एज अ टीनेजर। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल वे टू मेक मनी इज बाय ट्रांसक्राइबिंग ऑनलाइन। सो ट्रांसक्राइब करने का बेसिकली मतलब होता है स्पीच टू टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है तो आप उस ऑडियो या वीडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या बोला गया आप उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं एंड इसी को ट्रांसक्राइब करना कहते हैं। एंड फिर इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं, आप ट्रांसलेशन जॉब भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ बट मेरे को इसमें इंग्लिश वाले कैप्शन चाहिए तो आप मेरी ये वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे को कैप्शन दे सकते हैं। एक कंप्लीटली डिफरेंट जॉब होता है कैप्शनिंग का जिसमें आप किसी वीडियो के लिए कैप्शन लिख के देते हैं। तो ये सारे जॉब्स आप इस वक्त ऑनलाइन कर सकते हैं एंड आप इसके थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री कुछ नहीं चाहिए। आप एज अ टीनेजर अगर आपको कोई एक लैंग्वेज अच्छे से आती है, इंग्लिश, हिंदी, कोई ना कोई लैंग्वेज तो आती होगी, तो आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वक्त ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है जैसे गो ट्रांसक्रिप्ट या रेव जहाँ पे आप एज अ ट्रांसक्राइबर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं गो ट्रांसक्रिप्ट की बात करूँ तो वो कहते हैं कि दे पे अराउंड $0.6 पर मिनट। तो मतलब एक घंटा अगर आप उनका ट्रांसक्राइब करते हैं, एक घंटे की ऑडियो या वीडियो फाइल को अगर आप ट्रांसक्राइब करते हैं तो वो आपको $36 के आसपास पे करेंगे विच कम्स आउट अराउंड 2,000 to 3,000 rupees पर आवर। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है टीनेजर्स के लिए पैसा कमाने का। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं बट वंस अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आप खरीदना चाहते हो इस पैसे के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।